तो दूसरा उदाहरण इस प्रकार है कि एक हांडी में छह श्वेत और पांच शाम गेंदे रखी हैं यदि उसमें से तीन गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं तो निकाली गई गेंदों में एक श्वेत और दो शाम गेंद होने की प्रायिकता क्या है हांडी में केवल दो रंगों की गेंदे हैं जिनका कि संख्या हमें दी हुई है प्रश्न के कथन में हमने उन हांडी में से तीन गेंदें निकाली हैं यादिक रूप से और उन गेंदों में रंगों के विन्यास के बारे में हमें यह दिया है कि हम उन, उन गेंदों में एक श्वेत और दो श्याम गोविंद को पाएंगे इसकी प्रायिकता क्या होगी तो चलिए हम इसका हल ढूंढें सो हमें यह ज्ञात है कि इस हांडी में कुल ग्यारह गेंदे हैं छः श्वेत और पाँच श्याम जिनका कि योग ग्यारह होता है तो हमें पता है कि ग्यारह गेंदे हैं और हाँडी में अगर ग्यारह गेंदे हैं तो उसमें से तीन गेंदों को आक्रमित रूप से निकालने के कुल प्रकार विन्यास होंगे ग्यारह सीथरी या ग्यारह में से तीन को चुनने की विभिन्न प्रकार जिसका कि मान आपको ही होगा कि ग्यारह क्रम गुणित या फैक्टोरियल भागा ग्यारह में से तीन घटाने पे यानी आठ फैक्टोरियल गुणित तीन फैक्टोरियल होगा तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि अगर हमें तीन गेंदे चुननी हो और कुल ग्यारह गेंदे हमारे पास हों तो हम इतने प्रकार से उन तीन गेंदों को चुन सकते हैं तो यह इस प्रयोग और इस दी हुई समस्या का प्रतिदर्श समिष्ट होता है इनकी गणना करने पे हम ये पाते हैं कि यह कुल एक परिणामों को दर्शाता है इसका मतलब प्रतिदर्श समिष्ट में कुल एक घटनाएं होंगी अब इन घटनाओं में प्रश्न के कथन अनुसार हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है जब निकाली गई गेंदों में एक श्वेत और दो श्याम गेंद सो हम ये जानते हैं कि अभीक्षित घटना चुनी हुई गेंदों में से एक श्वेत और दो शाम गेंद का होना है क्योंकि छह श्वेत गेंदों में से एक गेंद चुनने के तरीके जो होंगे वह C वन या छः में से एक चुनना और इसी तरह पांच शाम गेंदों के के पांच में से दो गेंदों के चुनने के तरीके होंगे पाँच C दो या पाँच में से दो चुनना इस तरह हम ये जान सकते हैं कि अनुकूल घटनाक्रम मैंने वो सारी घटनाएं जो हमारे इच्छित अभिलाषा के अनुसार होंगी यानी कि पहली गेंद हमने चुनी वह सफ़ेद है तो अन्य दो गेंदों को हमको शाम चुनना पड़ेगा पर हम पहली गेंद शाम चुन सकते हैं फिर श्वेत गेंद चुन सकते हैं फिर शाम सुन सकते हैं या पहली दो गेंदें हम शाम चुन सकते हैं और तीसरी गेंद हम श्वेत चुने तो ये सारे विभिन्न तरीकों की गणना हमने कर ली है जिसका कि मान साठ आएगा अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं इच्छित प्रायिकता कि हमें एक श्वेत और दो शाम गेंद मिलेगी इस प्रकार चूँकि हमको पता है कि अनुकूल घटनाक्रम में कुल परिणामों की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि में कुल परिणामों की संख्या तो इन दोनों का अनुकूल परिणामों में प्रतिशत चमित के संख्या से भाग देने पे हमें यह प्रायिकता इस प्रकार प्राप्त होगी तो भागा एक सौ पैंसठ जिसके सरलीकृत करने के पर हमें चार भागा ग्यारह मिलेगी चूँकि यह मान एक से कम है तो यह बताता है कि यह प्रायिकता है प्रायिकता का मान हमेशा एक से कम और शून्य से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता इसकी जो निकल के आई वह एक भाज्य है। सो so, आपने इस प्रश्न में यह देखा होगा जब हम कोई गेंदों को चुनते हैं जब सारी गेंदों के चुनने की प्रायिकता बराबर है तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लें जो भी जिस तरह की हमारी इच्छा है गेंदों में रंगों के विन्यास या उनके किसी प्रश्न में जो भी अभीक्षा हो उसकी संख्याओं के और उस प्रयोग में के प्रतिदिन में कुल संभावनाओं से अगर हम भाग देते हैं तो हमें उस दशा में प्रायिकता प्राप्त हो जाती है